तो एक बार और जान लेता हूँ आप लोगों से, आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर। ओके, जी सर। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग हैं और ठीक है। बहुत बोलने के बाद भी ना एक दो लोग, किसी ना किसी का माइक जाने अनजाने खुला रह जाता है तो डिस्टरबेंस होती है। बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज नहीं आ रही है कोई भी है, तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा और फिर मैं आपसे अनम्यूट करके पूछ लूंगा। तो फॉर नाउ आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी। ओके, हाँ आपके माइक क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा था, क्या करें, कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर, आपके माइक में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। नहीं, ऐसा होना तो चाहिए, बाकी सबको भी डिस्टरबेंस आ रही है ना क्या? ना, ठीक ही है जी। नो, ओके 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 ठीक ओके है, ठीक ठीक है जी, है। ठीक। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ, आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी। ओके, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की इस वेबिनार में। आज इस वेबिनार में हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट में और कमोडिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उसके अंदर इसका क्या रोल है। देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो रोल है इसको समझने से पहले हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जो स्टॉक मार्केट है ये एक रिस्की बिजनेस है। ओके, इसमें लोग पैसा लगाते हैं, लोग पैसा कमाते भी हैं, पर साथ में लोग पैसा गंवाते भी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लोग लगाते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, दो तरीके से हम स्टॉक मार्केट के अंदर डील कर सकते हैं। आइदर यू इन्वेस्ट और यू ट्रेड, क्या फर्क है दोनों में अभी मैं आपको बताऊंगा। 100% में से 95% लूज करते हैं पैसा। 100 लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो 95 लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, लूज करते हैं। तो 100 में से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं भाई? सीधी सी बात है, 5 लोग पैसा कमाते हैं, 95 लोग पैसा गंवाते हैं। मतलब 95% पीपल और इन्वेस्टर लूज मनी एंड 5% पीपल ओनली मेक द मनी। अब ये 95% जो पैसा कहाँ चला गया, ये जो 95% जो पैसा लोगों ने गंवाया है ये किसने कमाया है? ये जो 5% लोग हैं इनके पास वो पैसा जाता है जो 95% लोग लूज करते हैं। ओके, तो अब हमको ये चीज अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि शेयर मार्केट में घुस रहे हैं तो हमको विद फुल प्रिपरेशन घुसना चाहिए। एक तरीका तो यह है कि भाई स्टॉक मार्केट में घुस गए, हमारे भाई ने कह दिया भाई हमारे चाचा जी के लड़के हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं वो, उन्होंने बताया तो बस लगा रहा हूं मैं इसके अंदर पैसे। अब सुनी सुनी बातों में हम कहीं भी पैसा लगाते हैं तो चलिए एक दो बार हमें फायदा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर हम इधर उधर से सुन के जो हम लोग पैसा लगाते हैं तो अंत में जाके पैसा गंवाएंगे ही। बहुत खुश हो जाएंगे कि 5 इन्वेस्टमेंट करे, 5ों में पैसे कमा लिए, किसी में 25,000 कमाए, किसी में 50,000 कमाए, किसी में 1 लाख कमाए, किसी में 1.5 लाख कमाए, फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया। और छठी डील के अंदर जो है 10 लाख गंवा दिए, सारा अगला पिछला बराबर हो गया। ओके, क्योंकि तो अपने को तो ज्ञान है नहीं, दूसरों की बुद्धि से चल रहे हैं। ओके, तो हम उस 95% से 5% में कैसे आए, उसका एक ही तरीका है कि हमको जितने हम प्रिपेयर होके जाएंगे, जितने हम नॉलेजेबल होके जाएंगे, उतने ही हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के चांस बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन करना है,
कैलकुलेटेड हमको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमने बस कर दिया, लगा दिया, शेयर मार्केट उठ रहा है, उठने में लगा हुआ, एक महीना हो गया मार्केट उठ रहा है, हमने भी लगा दिया। हमें ये नहीं पता कि मार्केट में रुकना कहाँ है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आएगा, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। भीड़ चाल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लूज कट जाएंगे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मार्केट के पीक पर पैसा लगा देते हैं कि बस अब मार्केट तो उठता ही रहेगा, तो क्या सारी जिंदगी उठता ही रहेगा? वो लाखों लोगों से कर्जा ले लेकर रुपया लगाते हैं और डूब जाता है। तो अपनी अपना नॉलेज हम कैसे बढ़ाएं, किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। Can everybody see my slide? सब लोग मेरी स्लाइड को देख सकते हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Okay, 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 good. गणेश जी की वंदना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दो मिनट में बता देता हूँ, ये हमारा फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी वास्तु साइंस है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। ओके, और बहुत से कोर्स मैं स्वयं कंडक्ट करता हूँ, जैसे कि केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वर्कशॉप्स होते रहते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स में ये कराता हूँ, जिसकी वेबिनार आज हम लोग अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स मैं कराता हूँ, वास्तु एक कंसल्टेंसी भी दे देता हूँ मैं, और एक मेरा प्रोडक्ट भी है वास्तु टेक के नाम से, जो कि एंड टू एंड वास्तु करने के काम आता है। ओके, जो वास्तु करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को ऑटो कैड इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता है हमेशा हेल्प के लिए, अपने मैप की ग्रेडिंग कराने के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो वास्तु टैग पूरी तरह से वास्तु कंप्लायंट है, वैदिक के लिए भी, मॉडर्न वास्तु के लिए भी। ओके, तो इसकी डिटेल में अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज टुडे वी हैव कलेक्टेड असेंबल्ड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये कोर्स है जो स्टार्ट होगा ये 21 फरवरी से, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 फरवरी। ये पहले होना था, पर अभी मैं 2 हफ्ते के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, तो ये 21 फरवरी से शुरू होगा। फीस इसकी 25,350 है। ओके, और इसकी जो क्लासेस होती हैं, ये भी लोग अटेंड बार बार कर रहे हैं ना, तो मुझे उसमें बार बार मुझे उनको एडमिट करना पड़ रहा है, उस चक्कर में कंसंट्रेशन लूज हो रहा है।
चलिए अब जो आगे आगे बस अब बाकी में निकलूंगा। देखिए 21 फरवरी 2023 से क्लासेस होंगी। क्लासेस रात के 8:30 बजे से होती हैं 10 बजे तक। वीक में 2 क्लासेस होती हैं, वेडनेसडे और सैटरडे। हर क्लास का वीडियो मिलता है, ओके। स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म के अंदर। कोर्स के अंदर हमारी पूरी केस स्टडी होती है और पूरा ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित है, ओके। तो इसमें सर्वतो भद्र चक्र, ध्रुवांक, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, पंचांग है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। ये हमारे छात्र हैं जो टाइम टू टाइम अटेंड करते रहते हैं हमारे कोर्सेज। एक अष्टक वर्ग आपके ऊपर मेरी वर्कशॉप होगी 23 फरवरी से 28 फरवरी पर। ये पूरी अष्टक वर्ग के ऊपर है, 5100 रुपए मात्र फीस है इसकी। और एस्ट्रो वास्तु का कोर्स शुरू होगा 17 मार्च से, ओके, 16350 फीस है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है। आजकल लोगों का एक लोगों का बड़ा फैशन बन गया है कि हर चीज का मजाक बना दो, ओके, हर चीज का मजाक बना दो। स्पेशली हमारी जो पुरानी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी को कह दो कि ये दकियानूसी है ना, ये लोग पुरानी चीजों को मानते हैं। परंतु आप देखोगे जो रिच और सक्सेसफुल लोग हैं, जो बिलियनेयर हैं, जिन्होंने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, जो जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशंस किए, आप पाएंगे कि उनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ हम जो कर रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ये वो कराने वाले सब प्लानेट और नक्षत्राज हैं, पिछले जन्म के कर्माज हैं, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हमारे हाथ में एक फ्री व्हील है जिसके अधीन हम लोग कार्य करते रहते हैं, वो चलिए एक लंबा विषय। अब जेपी मॉर्गन अमेरिका के बहुत बड़े बैंकर हैं, करोड़ों डॉलर्स इन्होंने कमाए थे शेयर के बिजनेस से। क्या कहते हैं, मिलियनर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स यूज एस्ट्रोलॉजी, ये इनका बहुत फेमस इनकी सेइंग है। लखपति करोड़पति को एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, परंतु जो अरबपति लोग हैं उनको एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अभी मैं सेशन में नाम नहीं लूंगा, इंडिया के जो टॉप के हमारे जो नंबर 1-2 के अंदर आते हैं, इंडिया सजेस्ट हमारे जो बिजनेसमैन है, उनका रोज कम से कम 2.5-2.5 घंटे की पूजा कमरा बंद करके उनका प्रीस्ट के साथ वो पूरी आराधना वो लोग करते हैं, ओके। फोर्ब्स मैगजीन है, इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं देयर लॉन्ग हैज बीन अ थ्राइविंग एस्ट्रोलॉजिकल सब कल्चर विद इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, राइफ विद इंटरनल डिस्प्यूट्स अबाउट हु इज द प्योरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ओके। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स हैं और हर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो सबसे ज्यादा प्योर है। तो मतलब साफ है कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन, कहने की जरूरत नहीं है कि ये अब तक के जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उसमें अगर टॉप के नहीं है तो टॉप 3 साइंटिस्ट में तो आइंस्टीन को हम रख ही सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इन इटसेल्फ एंड कंटेन्स एन इल्यूमिनेटिंग बॉडी ऑफ द नॉलेज। इट टॉट मी मैनी थिंग्स एंड आई एम ग्रेटली इन डेप्थ टू इट। ये जो मेन लाइन है, जियो फिजिकल एविडेंस रिवील्स द पावर ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन रिलेशन टू टेरेस्ट्रियल। This is why astrology is like a life-giving elixir to mankind. सब कुछ जो है प्लानेट और स्टार के द्वारा ही कंट्रोल होता है, एवरीथिंग। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ कोट रखे हैं जो वर्ल्ड के हुजू और बेस्ट नोन पर्सन है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। देखिए अभी आप लोगों से मैं बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया कुछ भी मत करो, मेरे मामा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, इस कंपनी का शेयर उठा ले, बढ़िया पैसे कमा जाएगा, लगाए और उठा लिए।
फिर आपको लग गया कि भाई मामा जी से तो होशियार कोई व्यक्ति है नहीं। अब जो भी उन्होंने कहा दो चार बार लगाते रहे और एक बार कभी ना कभी तो लॉस हो ही जाएगा, तो एक दो बार तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर अगर आप खुद को ज्ञान नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा सकते। 100 में से 5 लोग पैसा कमाते हैं, ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखना है। अब वो 95 से 5 में कैसे आना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं टिपिकल। एक तो होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी के शेयर लेकर रख लिए और आपको प्रॉफिट जो है अभी शीघ्र नहीं लेना, लॉन्ग टर्म लेकर रख लिया। लोग इतने लंबे भी शेयर लेते हैं कि अभी लेकर रख लिए, ब्लू चिप कंपनी के अपने बच्चों के काम आएंगे, लड़की की शादी में काम आएंगे, डिविडेंड मिलता रहेगा, बढ़ते रहेंगे। या चलो बहुत लंबा होराइजन भी नहीं है तो, पर यह है कि चलो लेकर रख लिया, 1-2 साल बाद बेच देंगे, डिविडेंड जितना मिलेगा बढ़ जाएगा। इन लोगों को फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी खास कंपनी का शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी के प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, प्रॉफिट लॉस ट्रायल बैलेंस, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके क्या है, कितना लोन ले रखा है, डायरेक्टर पे कोई मुकदमेबाजी तो नहीं चल रही है। ओके, तो इसके अंदर फंडामेंटल्स का ज्ञान होना जरूरी है। ये जनरली किसी लॉन्ग टर्म या किसी विशेष शेयर को हमें उठाना, ये उसके लिए हमको चाहिए ये वाली नॉलेज। ओके, तो ये नॉलेज होते हुए भी हो सकता है कि उसमें उसको लॉस हो या उसको फायदा हो। फाइनेंशियल तो सारा वो देख लेगा, परंतु उसके बाद भी लोगों को लॉस हो जाता है। दूसरा तरीका होता है स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने का, ट्रेडिंग के माध्यम से। इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जैसे इंट्राडे है, आज खरीदा या और आज ही बेच दिया, जो लॉस है जो प्रॉफिट है वो आज है। 100 रुपए का खरीदा है, 110 का बेच दिया तो 10 का प्रॉफिट है, 100 का लेके वो रह गया 85 रुपए का, तो 15 का नुकसान है। ये है इंट्राडे। इसके अंदर फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर क्योंकि डेली का मार्केट है, ये जो चार्ट बनते हैं कैंडल्स वगैरह टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए। लोगों को होता नहीं है पर होना चाहिए। तो कैंडल के पैटर्न्स क्या है, सपोर्ट क्या होती है, एनालिसिस रेजिस्टेंस क्या होता है, पिवट लाइन क्या होती है, स्टॉप लॉस रखें या नहीं रखें, ये सारी चीजें टेक्निक प्लान में लोग सीखते हैं जो 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 इसमें सीरियस इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, परंतु टेक्निकल चार्ट है, सब कुछ लगा दिया, पूरी नॉलेज लगा दी, उसके बाद ही ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 उनकी ट्रांजेक्शन सफल होंगी। तो उनकी पर यह तय है कि वो 5% से निकल के 50-60% में आ गए या 50% में आ गए। जो फंडामेंटल अच्छा जानते हैं वो भी हो सकता है वो 5% वालों में, तो वो 95% वालों में तो है नहीं जो लॉस खा रहे हैं, वो भी जो पैसा कमाने वाले लोग हैं उसकी तरफ उनके उन्होंने एक कदम बढ़ा दिए। पर ये सारी फाइनेंशियल, सारी टेक्निकल नॉलेज होते हुए भी चीजें क्यों नहीं काम करती, उसका विशेष कारण होता है कि दुनिया में सब कुछ, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मूल हो, चाहे वो जीव हो, सब कुछ प्लैनेट्स के अधीन है, सब कुछ राशि और नक्षत्रों के अधीन है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति होती है, उस ग्रह के अधीन जितने भी कमोडिटीज होती हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसके अंदर उसकी कमी होती है या उसकी पैदावार ज्यादा होती है या उसकी कमी होती है। डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड ज्यादा होगी रेट बढ़ जाएंगे, ओके, और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो रेट जो है कम हो जाएंगे। ओके, तो
अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी हमें ज्ञान है और हमको पता है कि आने वाले टाइम में कल परसों में कौन सी खास एस्ट्रो इवेंट हो रहा है, जब मैं एस्ट्रो इवेंट कहता हूँ मतलब कौन सा ग्रह अपनी राशि बदल रहा है, नक्षत्र बदल रहा है, कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, कौन सा ग्रह डायरेक्ट हो रहा है, कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन सा ग्रह उदित हो रहा है, ओके ये दुनिया भर के फैक्टर्स होते हैं और हर एस्ट्रो इवेंट अपने अधीन जितने भी कमोडिटीज हैं हर चीज के ऊपर असर डालता है। तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है तो हम लोग बड़ी सरलता से जो 5% लोग हैं उनकी तरफ उस पाले के अंदर हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि एक नॉलेज हमें इसमें से भी होनी चाहिए, है ना, एक नॉलेज तो इसमें से भी हमें होनी चाहिए, वो आ जाती है। जितने भी लोग मेरे आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, काफी लोग या तो इन्वेस्टिंग या तो शेयर्स लेते होंगे फंडामेंटल चेक करके या वो टेक्निकल चार्ट से करते होंगे, ऐसे भी लोग हैं जो अभी इधर उधर से सुन सुना के करते होंगे, तो वो भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख के थोड़ा बहुत टेक्निकल का ज्ञान लेके वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद 95% जो पैसा कमाने वाले गंवाने वाले लोग हैं वहां से निकल के हम लोग 5% लोग जो कि पैसा कमाते हैं उस वाले ग्रुप में आ सकते हैं, ओके। पर एक दिन में नहीं आता है, सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पेपर प्रैक्टिस कहलाती है, पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर कम से कम 3 महीने तक हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, हम जो भी प्रिंसिपल सीखेंगे हम पेपर पे लिख लेंगे कि आज मैंने रिलायंस के 100 शेयर लिए, ओके, आज मैंने सोने में ट्रेड किया, आज मैंने चांदी में ट्रेड किया, फॉरेक्स में किया, क्रूड ऑयल में किया, ओके, जिसमें भी आपकी रुचि है, एग्रो प्रोडक्ट में है तो गुड़ में किया, गेहूं में करा, मेटल में कर सकते हो, जिंक में कर सकते हो, रबर में कर सकते हो, ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि है। बहुत से लोग इंडिसेस में करते हैं, मतलब निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, तो इसमें स्काई इज द लिमिट है और पैसा कमाने का तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि भैया जब तक दिन में 1-2 लाख रुपए नहीं उठाए तो क्या फायदा हुआ, ओके, बहुत बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत बहुत पैसा कमाया हुआ है, ओके, परंतु डिसिप्लिन होना चाहिए, जानकारी और ज्ञान पूरा होना चाहिए। देखिए ये जो ग्रह है, देखिए सोलर सिस्टम है एक हमारा, सूर्य है, अब सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं, यूं तो यूनिवर्स में दुनिया भर के स्टार है पर वो फिक्स हैं, जो फिक्स हैं उनका वो तो करोड़ों साल से फिक्स हैं और आगे भी फिक्स रहेंगे, उनका नहीं पता क्या हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, परंतु सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट ये चक्कर लगाते हैं ये अपनी मूवमेंट से सृष्टि पे होने वाले जीव का मतलब ये है कि जो लिविंग बीइंग है जैसे आप और हम है या जानवर है या पानी में विचरने वाली मछलियां या पानी में विचरने वाले जीव है या पक्षी है, धातु का मतलब है जितनी भी चीजें जो पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती हैं, चाहे वो रॉ फॉर्म में प्राप्त होती है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, वो इसी फॉर्म में तो नहीं मिलेंगे, वो तो क्या है, वो तो कंपोजिट फॉर्म में मिलते हैं, बाद में एक्सट्रैक्ट करके उनको निकाला जाता है, पर सब निकलते धरती के गर्भ से। तो धातु, जीव और मूल सब कुछ ये जो ग्रह लगातार गोचर करते रहते हैं ब्रह्मांड में, सब कुछ इन्हीं के अधीन है। कोई ग्रह जैसे कि सोना है, सोना जो बृहस्पति के द्वारा गवर्न होगा, ओके, वारामीर के हिसाब से बृहस्पति उनको गवर्न करेंगे, पर ज्यादातर मान्यता है कि सूर्य और मंगल सोने को गवर्न करते हैं, ओके,
और जैसे चांदी है, शुक्र और चंद्रमा इसको गवर्न करेंगे, तो इसी प्रकार हर प्लैनेट का किसी ना किसी जीव धातु और मूल पे अधिकार होता है। इसी प्रकार से जो 12 राशियां हैं वो संचित करती हैं इन सारी कमोडिटीज को, और 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्रों का भी किसी अलग अलग धातु मूल और जीव पर अधिकार होता है। जब ये प्लैनेट नक्षत्र अपनी जगह फिक्स है, राशि अपनी जगह फिक्स है जोडियक में, सिर्फ प्लैनेट है जो जोडियक में घूमता रहता है। जब प्लैनेट घूमते घूमते नक्षत्र में और राशि में प्रवेश करता है, तो जिस राशि या नक्षत्र में प्रवेश करता है उस राशि और नक्षत्र और स्वयं उस प्लैनेट से संबंधित पदार्थों में या तो तेजी आएगी या मंदी आएगी। वो डिपेंड करता है कि जो नक्षत्र है उसका जो लॉर्ड है वो उस प्लैनेट का शत्रु है, उस प्लैनेट का मित्र है, अति मित्र है, या प्लैनेट उस राशि में जाके उच्च का हो गया, नीच का हो गया, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, नीच का हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन चीजों को गवर्न करते हैं। एक एक जो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी प्लैनेट, देखिए शेयर मार्केट पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई पे, पूरा का पूरा बिजनेस कमोडिटी का या कोई भी बिजनेस होता है वो यही होता है कि भाई व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी चीजों को खरीद कर रखेगा, आज उसने एक अमाउंट पे खरीदा और जब वो बेचेगा तो उसे बढ़े हुए रेट मिल जाए, बस यही तो व्यापार है और क्या। तो ये ही पता लगाने के लिए हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत हेल्प करती है कि आने वाले टाइम में कौन से पदार्थों के रेट गिरने वाले हैं, कब गिरने वाले हैं, 2023 में जुलाई में गिरेंगे, अगस्त में गिरेंगे, कौन से कमोडिटी के रेट कब गिरेंगे, कब बढ़ेंगे, ये हम पहले ही ग्रहों की स्थिति देख के हम लोग प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा सामान्य सा नियम है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि की रूल है कि कोई भी प्लैनेट जब किसी राशि के अंदर अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, मतलब किसी राशि में वो उच्च का होके बैठा है, स्व राशि का होके बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, तो जिस कमोडिटी का वो सिग्निफिकेटर है उन चीजों की सप्लाई को बढ़ा देता है, ओके। और जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो रेट जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है तो वो कहेगा कि भाई ये जो कमोडिटी की कमी नहीं रहनी चाहिए, सबको प्राप्त होनी चाहिए, और जब उसने सप्लाई बढ़ाई तो रेट गिर गए। जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर जब भी उच्च का होगा, पिछले 10 साल की गोल्ड का हिस्ट्री उठा के चेक कर लीजिए, जब जब गोल्ड उच्च का हुआ है, ओके, या अपनी मित्र राशि में गया है, गोल्ड के रेट गिर जाते हैं, और जब जुपिटर उच्च का होता है उस साल के रेट आप देखोगे बहुत नीचे की तरफ मिलेंगे। तो जुपिटर जब भी उच्च का होगा, अपनी राशि में जाएगा, मित्र राशि में जाएगा, तो क्या होगा, गोल्ड के रेट वो गिरा देगा। एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और वहीं जुपिटर अगर नीच का हो जाए, शत्रु राशि के अंदर चला जाए, अस्त हो जाए, तो इन चीजों की क्या होगी, फिर वो उसके रेट गिर जाएंगे। तो फिर और पंचांग और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो मैंने आपको बहुत एक राशि से मैंने आपको बता दिया। बाकी पंचांग में जैसे कि सूर्य है, जब वो संक्रांति कर रहा है, किसी राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है, ओके, तो पांचों चीजों, तिथि कौन सी है, उस दिन वार कौन सा है, सारी चीजों का कमोडिटी के ऊपर असर पड़ता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी के
एस्ट्रोलॉजी के ये चार पिलर्स हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसकी जरूरत पड़ती है। ये मैं कोर्स के शुरू में पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा आपको। तो नक्षत्र, राशि, प्लैनेट और गोचर, ओके। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट के गोचर के कारण ही चीजों के रेट घटते और बढ़ते रहते हैं। कौन सा प्लैनेट किस समय, कौन से नक्षत्र, कौन से राशि, नक्षत्र के कौन से पद से गुजर रहा है, कौन कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बनाता हुआ जा रहा है, कौन कौन से प्लैनेट के द्वारा आस्पेक्टेड हो रहा है, कौन कौन से प्लैनेट के द्वारा वेस्टर्न आस्पेक्ट पड़ रही है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये जितने भी ज्यादा फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स जो है उस कमोडिटी के रेट को बढ़ाने और घटाने के एक इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए मैंने आपको बता चुका धातु मूल जीव, तो धातु मूल जीव के भी प्लैनेट्स होते हैं, ओके। जैसे धातु गवन होती है सैटर्न राहु मार्स से, तो इसी तरीके से मूल और जीव के कौन से प्लैनेट है ये हम पढ़ेंगे। वाइट चीजों के कारक होते हैं वीनस एंड मून, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट जो होता है हमारा, स्टॉक मार्केट को भी हम लोग अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, ओके, स्टील्स, तो उसके क्या कारण है कि कुछ खास सेक्टर के मार्केट या बैंकिंग, खास सेक्टर के मार्केट एक टाइम पे गिर सकते हैं, खास सेक्टर के मार्केट एक टाइम उठ सकते हैं, ओके। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शनि और मंगल चाहिए, तो शनि और मंगल की जोड़ियक में स्थिति के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी शेयर हैं उनके अंदर वो घटेंगे बढ़ेंगे। और बृहस्पति, बृहस्पति सूर्य और मंगल के हिसाब से बुलियन, ओके। अगर वीनस को जोड़ दो तो चांदी और सोने के रेट घटेंगे बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के लिए सैटर्न, तो हर सेगमेंट के भी हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में या इस साल में, इस साल के पहले क्वार्टर में फार्मेसी के शेयर कैसा करेंगे, बैंकिंग के शेयर कैसा करेंगे। और इसके यूज बहुत ज्यादा है, इवन जो जो लोग म्यूचुअल फंड बनाते हैं वो भी ये देख सकते हैं कि मैं जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ उस कंपनी के जो स्टॉक्स में मैक्सिमम शेयर किसके हैं, क्या गैस और पेट्रोलियम के हैं, क्या वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। मान लो एक कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे सारे बैंकिंग सेक्टर के मेजर उसके होल्डिंग है और बैंकिंग के सेक्टर हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में नीचे जाने वाले हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, मिड टर्म प्लानिंग हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, ओके, या इवन म्यूचुअल फंड हो, हर चीज के अंदर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हैज अ रोल टू प्ले। इवन बताया ना दुनिया भर के आइए मुख्य मुख्य ऑटोमोबाइल, सीमेंट है ना, एक्सपोर्ट, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग मेटल, जैसे जुपिटर का मैंने आपको बताया, ओके, तो येलो सफायर ये सब है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं गोल्ड, और ये अलग अलग FMCG, ये टेबल ऑयल, जेम ज्वेलरी ना, इनको ये सिग्निफाई करता है। तो ये हमारे प्लैनेट के लिए पढ़ेंगे। राशियां क्या सिग्निफाई करती हैं, जैसे एरीज साइन है, एरीज साइन भी गोल्ड को सिग्निफाई करता है, ओके, और मॉडर्न थ्योरी में मशीनरी आयरन को भी करता है। मार्केट सेक्टर ऑटोमोबाइल, तो ये सब हम समझेंगे, इसके बारे में भी ज्यादा हमने। सूर्य जब 12 राशियों में इंग्रेस करता है, मतलब संक्रांति होती है हर महीने एक निश्चित तिथि को, 14-15 को सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तो उस महीने के लिए सूर्य जिस राशि में गया है उस राशि के अनुसार, सूर्य मान लो शत्रु राशि में प्रवेश कर रहा है तो उस राशि की कमोडिटी और सूर्य की खुद की कमोडिटी पे उस महीने पूरे क्या प्रभाव रहेगा, ये हम संक्रांति से जानते हैं।
और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सूर्य संक्रांति कर रहा है उस टाइम चंद्रमा की स्थिति क्या है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये भी एक फैक्टर्स होते हैं। अदरवाइज तो भाई सबको पता है कि एक निश्चित तिथि को हर महीने सूर्य हर साल संक्रांति करता है, तो क्या हर साल उस महीने एक सा ही मार्केट बिहेव करेगा? वो पोजीशन बदल जाती है कि जब सूर्य संक्रांति कर रहा है मतलब इंग्रेस कर रहा है एक राशि में, तो चंद्रमा कहाँ पर पॉजिटेड है, तिथि क्या है, वार क्या है, उसके हिसाब से चीजें मॉडरेट हो जाती हैं। तो ये मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसका आपको एप्लीकेशन दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे मैंने निफ्टी की बात करी, कुछ लोग हैं जो इंट्राडे में इंडिसेस पे लगाते हैं कि आज निफ्टी के लॉट लिए, उसी में अपना लाख दो लाख जो भी कमाना है अपनी कैपेसिटी में, 10,000 5,000 जो भी कमाना है जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो भाई आज निफ्टी बढ़ेगा घटेगा। ओके, तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको क्या बताया, इंट्राडे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अंदर हमको फंडामेंटल नहीं चाहिए, उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, कैंडल पढ़नी आनी चाहिए। ओके, वी शुड नो कि कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट लेना है, वी शुड नो कहाँ सपोर्ट लगनी है, क्या रेजिस्टेंस लगनी है, ये सब फैक्टर्स तो हैं ही, परंतु पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी भी प्लैनेट के द्वारा ही गवर्न है। हमको पता है कल चंद्रमा की स्थिति ऐसी रहेगी, चंद्रमा पे वेद लगेगा, या चंद्रमा शत्रु राशि से निकल रहा है, शत्रु नक्षत्र में निकल रहा है, ओके, या कंजंक्ट मैलेफिक के साथ, ओके, इस तरह के फैक्टर हमको दिखाई दे रहे हैं, सर्वतोभद्र चक्र में देख रहे हैं, वेद भी पढ़ रहा है, तो हमें आज ही पता है कि कल जो मार्केट जो है निफ्टी ऊपर जाने वाली है। ओके, तो हम उस तरीके से अपनी प्लानिंग करके अपने टर्मिनल पर बैठ सकते हैं। ओके, और जब हमको जब भी हमें देखें अपवर्ड ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है, ओके, विच इज मोस्ट लाइकली, तो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है तो हम उसमें बड़ी कॉल ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ये बढ़ेगा तो आज अच्छा बढ़ेगा। ओके, तो ये बहुत हेल्प करता है हमको। चंद्रमा के ट्रांजिट से भी हम लोग समझेंगे, जैसे चंद्रमा जब मेष राशि में जाता है, एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो मेष राशि के अंदर जब चंद्रमा जाएगा तो क्या होगा, सोने के और चांदी के रेट गिरेंगे। ओके, देखिए चंद्रमा है और मंगल, चंद्रमा मंगल बृहस्पति सूर्य ये आपस में चारों मित्र हैं। मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी प्लैनेट जब अपने मित्र की राशि में जाएगा तो उस राशि के और अपने जो भी आधीन कमोडिटीज है उनके रेट गिराएगा। वेस्टर्न एस्पेक्ट का क्या फर्क पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर तो इसी पे काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ज्यादातर सर्वतोभद्र चक्र का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, अभी भी यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ज्ञान है, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब तो इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर भी सर्वतोभद्र चक्र सीखने लगे हैं, काफी मेरे पास भी फोन आते रहते हैं। पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर मुख्य रूप से वेस्टर्न एस्पेक्ट देखते हैं, जिसको हिट थ्योरी भी कहते हैं, मतलब दो प्लैनेट के बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितना है। जैसे शनि और शुक्र के बीच में अगर 30 डिग्री का अंशात्मक डिफरेंस है, 120 का है, 60 का है, तो अलग अलग डिग्री से अलग अलग तरह के रिजल्ट आते हैं। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में या किसी में? अभी मैंने अनम्यूट किया सभी को, सर नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ठीक है, चलिए हम इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, क्योंकि
ये पढ़ने में तो अच्छा खासा, मतलब काफी इसका जो चीजें हैं, काफी रूल्स रेगुलेशन, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे टूल्स हैं। देखिए ये जो हमारा बना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसमें मैंने आपको बताया एक तो ग्रह की स्थिति गोचर करते हुए कब अस्त हो रहा है, कब उदित हो रहा है, उदित हो रहा है तो पूरब से उदित हो रहा है, पश्चिम से उदित हो रहा है, वक्री कब हो रहा है, वक्री हो गया तो डायरेक्ट कब हो रहा है। ओके, ये सारे फैक्टर्स, कौन से राशि, कौन से नक्षत्र, नक्षत्र के पद, ये सारे फैक्टर, कंजंक्शन वगैरह, ये सारे फैक्टर ये तो है ही। इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जिसके द्वारा हम बहुत सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसमें से नेजर है सर्वतो भद्र चक्र। आने वाले टाइम में कल वो प्लैनेट जो किसी खास कमोडिटी को सिग्निफाई करते हैं, कल उनके ऊपर कैसा वेद पड़ने वाला है और कितने टाइम तक वो वेद रहेगा, क्या वो बेनिफिक वेद पड़ने वाला है या मैलेफिक वेद पड़ने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं चांदी की, चांदी सिग्निफाई होती है चंद्रमा से, चांदी सिग्निफाई होती है वीनस से। अभी मैं जो आपको सिग्निफिकेटर बना रहा हूँ, ये वो सिग्निफिकेटर्स हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, परंतु हम पाएंगे कि कुछ कुछ ऑथर्स अलग अलग, जैसे कि वारा में जुपिटर को भी डाल देते हैं चांदी के अंदर। ओके, मुख्य रूप से चांदी के शुक्र हो मून लेके चलेंगे, तो शुक्र आने वाले टाइम में कल या अगले अगले कुछ टाइम के लिए किन प्लैनेटों के द्वारा उसको वेद हो रहा है, क्या वो मैलेफिक है या बेनेफिक है। बेनेफिक है तो रेट बढ़ेंगे, बेनेफिक है तो रेट घटेंगे। तो ये सारे फैक्टर सर्वतो भद्र से हमें पता लग जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, काफी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, इसका ज्ञान भी बहुत कम लोग हैं जिनको, जो पूरा ज्ञान इसका दे पाते हैं। तो इस कोर्स में हम पूरा समझेंगे कि सर्वतो भद्र चक्र की संरचना, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या एप्लीकेशन है और कैसे यूज होता है, कैसे प्लैनेट अपनी अलग अलग गति रेट्रो के द्वारा या तीव्र गति से चलते हुए, सामान्य गति से चलते हुए, इनके वेद कैसे लेफ्ट राइट या फ्रंट, है ना, वाम दक्षिण या सम्मुख जो पढ़ती है इनकी वेद, वो किस तरीके से पढ़ती है, वो सब हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ तो ये टॉपिक को पूरा नहीं पता पाऊंगा। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए सैटर्न रेवती नक्षत्र में बैठा है। ओके, अब ये देखिए, अच्छा अब ये अपनी गति के अनुसार अलग अलग जगह वेद डाल सकता है। ओके, तो मृगशिरा को भी देख सकता है, डिपेंड करता है इसकी गति क्या है, सामने भी देख सकता है और अगर वो वक्री है तो राइट भी देख सकता है, तीव्र गति से चलेगा तो लेफ्ट देखेगा, सामान्य गति है तो फ्रंट देखेगा। तो ये फ्रंट कैसे पता लगता है, तीव्र गति है सामान्य गति है, ये सब हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ सैटर्न बैठा हुआ मृगशिरा पे मार रहा है, अब मृगशिरा में यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट, मान लो मैं कहता हूँ जुपिटर बैठा है, जुपिटर किस कमोडिटी का कारक है, मैं कहता हूँ गोल्ड का है, तो क्या हो गया, जुपिटर सैटर्न के है तो उसमें वो सोने में उछाल ले आएगा। ओके, वीनस में है तो चांदी में उछाल ले आएगा, यू गेटिंग मी। तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा जेनरेटेड है। ओके, सर्वतो भद्र चक्र कैसे बनता है, क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कोर्स में। देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ केस स्टडी 2022-23, तो अभी शुरू हुआ है। एस्ट्रोलॉजी हो या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, पहले हम इसको सीखेंगे और बैक डेटा पे अप्लाई करेंगे। जब हमने बैक डेटा पे अप्लाई कर लिया, कम से कम पिछले 10 साल पे हमने उसको अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम इस स्थिति में आ सकते हैं कि उसको हम रेप्लिकेट करें आगे आने वाले टाइम पे। क्या जो सूत्र हमने सीखे हैं, क्या जो रूल हमने सीखे हैं, क्या जो टूल्स हमने सीखे हैं,
ये जो रेट बढ़े, ये जो रेट घटे, ये किस कारणवश घटे, कौन सी एस्ट्रो इवेंट उस दिन हुई थी, कौन सा सर्वतोभद्र चक्र में वेद लगे थे, कौन से वेस्टर्न आस्पेक्ट लगे थे जिसके कारण से एकाएक जो एकाएक जो रेट थे ऊपर चलते चलते नीचे की तरफ चल पड़े, नीचे चलते चलते एकदम से ऊपर की तरफ चल पड़े। तो जो भी जिसको हम कहते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जहां पे रेजिस्टेंस है वहां से वो कैसे बाउंस, कैसे वो वापस आया है। ओके, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, तो हम 2022 की एक केस स्टडी में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत डिटेल में तो नहीं दिखा सकता, पर मेजर मेजर में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो, चलिए इसको, देखिए हर कमोडिटी के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। ओके, कौन सा प्लैनेट कब वक्री होगा, कौन से प्लैनेट के डायरेक्ट होने पे, कौन से प्लैनेट के सेट होने से, मतलब अस्त होने से, राइज होने से, कौन से दो प्लैनेट जब साथ होते हैं, कौन से प्लैनेट किस राशि में ट्रांजिट करते हैं, तो कौन कौन सी कमोडिटी पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत सारे रूल्स एंड डिक्टम्स हैं। ओके, तो चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे है ना, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो गेहूं हो, कुछ भी हो, चाहे वो शेयर्स हो, तो 2022 की हमें स्थिति देखनी पड़ेगी क्या रही। तो मैंने जैसे ये नोट करे, जुपिटर ने ट्रांजिट किया था। ओके, तो जुपिटर जो है 13 अप्रैल 22 को मीन राशि में आ गया था, उससे पहले एक्वेरियस में रहा, और 23 में आपको पता ही है 22 अप्रैल को जाएगा। मार्स, ये मार्स की स्थिति है। चलिए चांदी के लिए हमें क्या चाहिए, चांदी के लिए तो हमें वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वीनस के ट्रांजिट ये हैं पूरे, है ना, 21 के ये वीनस के 2022 की ये ट्रांजिट्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर कौन सा प्लैनेट कब रेट्रो हुआ, कब मार्गी हुआ, कब अस्त हुआ, ये सब डेटा हमारे पास होना चाहिए। कैसे हम बनाएंगे ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। मर्क्यूरी कब कब अस्त हुआ बहुत जरूरी है, कब अस्त हुआ, कब डायरेक्ट हुआ। ओके, है ना, प्लैनेट वीनस कब मार्गी हुआ, कब सेट हुआ, कब राइज हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, 2022 का लेते हैं डेटा। अच्छा ये दिख रहा है आपको क्या, अभी मैंने ग्राफ खोला, ये दिख रहा है क्या? यस सर, ये ग्राफ दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके, अभी मैंने इसको कैंडल से बदल के लाइन ग्राफ कर दिया, इट इज ऑल विजिबल ना? विजिबल है। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, ये विजिबल है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये 2022 का ग्राफ है, किसका है, अच्छा 2022 का ग्राफ है, किस चीज का है, मैंने बताया आपको, बताइए जरा। हाँ जी, किसका ग्राफ है? अच्छा म्यूट है क्या, एक सेकंड। ओके, अभी अनम्यूट किया। सर सिल्वर का है, सिल्वर का 2022 का, एक्सीलेंट। अभी 2 मिनट के लिए मैं आपको अनम्यूट रखा हुआ है। अब हम ये देखते हैं
देखिए 17 जनवरी, ये देखिए ये हमारा आ गया 27 फरवरी। अब देखो 27 फरवरी को एकदम से रेट ऊपर भागने शुरू हो गए। कैन बी सी सी दिस इज 27 फरवरी। कैन एवरीबॉडी सी? 28 जनवरी सर। चलो हाँ 27 लगा लो। ऐसा है करण जी, जैसे 27 को कोई घटना हुई है ना रात को, तो उसका सर 28 को आएगा, समझ रहे हैं? सर जनवरी फरवरी जनवरी है। हाँ चलो फरवरी, 27 फरवरी देखना हमें। इशाद मैंने गलत नोट कर लिया क्या? एक सेकंड दीजिएगा। हाँ 27, ये 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी में कहना चाह रहा था। ठीक है देखिए 14 जनवरी, ओके हम आ गए। ये 14 जनवरी है, ये 14 जन, सुनिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ सबको। 14 जनवरी को मर्क्यूरी वक्री हुआ है, मार्केट नीचे चल रहा था, 14 जनवरी को आप देखते हैं एकदम से स्पाइक आई है। ओके कैन एवरीबॉडी सी नोटिस? यस सर। ओके अब दूसरी घटना देखिए 27 फरवरी को, 27 फरवरी को मैं आता हूँ। ये 27 फरवरी है, रेट तो ऊपर चल ही रहे थे यहाँ पर, बस 27 फरवरी को वीनस और मार्स एक ही राशि में आ गए थे। देखिए वीनस किसका है पारक? वीनस है चांदी का। मार्स के साथ जब ये कंजंक्ट किसी भी राशि में होएगा, ये हम सीखेंगे, ये चांदी में उछाल लाता है। ये देखिए चांदी को कहां तक ले गया। ओके ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर हमको एस्ट्रो इवेंट देखने, कोई भी ग्राफ ये ऊपर भाग रहा है नीचे भाग रहा है क्यों भाग रहा है, हर चीज का कोई कारण है। टेक्निकल कारण तो है, टेक्निकल कारण तो अपनी जगह है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है, ठीक है फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, पर उन सब टेक्निकल और फंडामेंटल भी किसके अधीन है? क्यों करण जी किसके अधीन है ये बताइए? सब technical? कुछ सब टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, आदमी हो या धातु, सब कुछ ग्रहों के अधीन है। यस सर। ओके तो इन सबका ऑन टॉप कौन है? ऑन टॉप कौन है? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। पर यह है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के साथ हमको थोड़ा सा ज्ञान उधर भी बढ़ाना पड़ेगा टेक्निकल में, और वो बड़े आराम से आ जाता है। ओके उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूं, देखिए 7 अप्रैल को देखते हैं। ये देखिए 7 अप्रैल, 4, ये 7 अप्रैल क्या हुआ है, मार्स जो है इसमें प्रवेश करा था, ये कुंभ राशि में, ये इसने भी जो है इसको ऊपर दिया। ये अभी मैं आपको तेजी दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरा ग्राफ तो नहीं, मैं आपको तेजी दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से मंदी के भी कारण होते हैं। 8 से 27 अप्रैल तक वीनस मार्स एक साथ हो गए, 8 से 27 अप्रैल, 8 अप्रैल ओके 27 अप्रैल, फिर 10 मई को फिर दोबारा मर्करी रेट्रो हुआ है। देखिए 10 को हुआ है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी रही है और हमारा मार्केट फिर ऊपर भाग है। ओके मर्करी का रेट्रो थी 1 अगस्त की मैं बात करूं, मई जून जुलाई अगस्त, ये 1 अगस्त नहीं, एक अगस्त को क्या घटना हुई है, मर्करी ने राशि परिवर्तित करके लियो साइन में गया है। ओके तो ये भी क्या है, रेट इसने बढ़ाए हैं। अब आप एक एस्ट्रो इवेंट का असर कब तक रहेगा, रोज नए नए एस्ट्रो इवेंट, रोज नहीं तो एस्ट्रो इवेंट होते हैं, एक एस्ट्रो इवेंट
जब तक असर करेगा जब तक दूसरा एस्ट्रो इवेंट नहीं हो जाएगा, जैसे कि आज मर्क्यूरी वक्री है और कुछ ही दिनों बाद दूसरा प्लैनेट मान लो शुक्र भी वक्री हो गया है ना, या जुपिटर वक्री हो गया, तो या कोई और बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हो गई, एस्ट्रो इवेंट हो गया, तो एक एस्ट्रो इवेंट का असर चलता रहता है जब तक कि कोई दूसरी महत्वपूर्ण एस्ट्रो इवेंट नहीं हो जाता है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, अभी पहले मुझे पूरा करने दीजिए, मैं बाद में लूंगा प्रश्न, ठीक है। फिर आप देखिए 7 अगस्त की बात करते हैं, 7 अगस्त को क्या है। ओके, 7 अगस्त को भी यही घटना हुई है, सन वीनस एक साथ आए हैं तो भी रेट बढ़े, और 29 जुलाई को क्या है, जुपिटर रेट्रो हुआ। देखिए जुपिटर जब रेट्रो होता है तो क्या चीज होती है, एक चीज मैं आपको बताऊं, जुपिटर जब रेट्रो होता है तो चांदी में फ्लक्चुएशन आते हैं, मतलब उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, तो 29 जुलाई हमारे लिए मेजर डेट है, 29 जुलाई ये होगी। हाँ, ये 29 जुलाई है, देखिए 29 जुलाई है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, तो ये उतार चढ़ाव, तो इसमें ये उतार चढ़ाव आए पर यहाँ तक ये रेट बढ़े। अब ये रेट घटे कम क्यों है, यहाँ पे कोई फिर दूसरी एस्ट्रो इवेंट एक आ गया होगा। ओके, और इसके अलावा वीनस जब कर्क राशि में जाता है तो चांदी के रेट गिरते हैं। ओके, तो 7 अगस्त को देखिए, 7 अगस्त को ये कर्क राशि में गया था वीनस, सात अगस्त से 31 अगस्त। अच्छा, ये देखो, ये बता रहा था ना कि रेट बढ़ेंगे, फिर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई होगी जितने रेट घटा दिए, तो हुआ क्या, वीनस जो कि मुख्य रूप से कारक है चांदी का, 7 अगस्त को प्रवेश कर गया ये कर्क राशि में। ओके, इधर ये जुपिटर का एक दो दिन असर और चला, और फिर आप ये देखिए 31 अगस्त तक, ये 1 सितंबर आ गया ना, देखिए 31 अगस्त तक वीनस कर्क राशि में रहा। ओके, तो ये जुपिटर के रेट्रो का असर रहा, स्पेकुलेशन हुआ, यहां तक जुपिटर चल रहा था पर इससे पहले ही क्या हुआ, वीनस वहां पहुंच गए। ओके, व्हाट आई टोल्ड यू, एक एस्ट्रो इवेंट का असर अगले एस्ट्रो इवेंट तक रहता है, अगला एस्ट्रो इवेंट आ गया तो वो उसको जनरली सुपरसीड कर जाता है। तो यहाँ पे जैसे इसने 7 अगस्त को प्रवेश किया, ओके, 7 अगस्त को प्रवेश करते हैं, देखिए पहला तो झटका ये लगा नीचे, और फिर ये जो है पूरे 31 अगस्त तक जब तक ये कर्क राशि में रहा चांदी को उसने नीचे रखा। ओके, तो वी कैन सी, ये मैंने आपको ऐसे बहुत रूल्स हैं, और खाली यही नहीं है, और भी चीजें हैं। चलिए ये तो हमने समझा, चलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए सर्वतोभद्र में कैसे देखेंगे, देखिए। अच्छा, मैंने बंद कर दिया, गलती करी, 1 सितंबर से 11 सितंबर तक, दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे, खोल देता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर से, ये देखिए 1 सितंबर से, और हम कहां तक बोले 11 सितंबर, ये वाला वो देखिए है ना, यहाँ पे तो जुपिटर रेट्रो हो गया था, ये देखिए 1 सितंबर से 11 सितंबर तक ये हमारा हाई का आया,
ये क्यों आया है ये देखिए, इसी को मैं समझाना चाह रहा था। ये देखिए एक सितंबर का चार्ट, एक सितंबर का हमने एक चार्ट बनाया हुआ है ओके। और ये देखिए सर्वतोभद्र चक्र, सर्वतोभद्र चक्र के अंदर देखिए ये जो वीनस है एक राहु के इसके ऊपर वेद पड़ रहा है ओके। ये 11 सितंबर तक इसके वेद में रहा था तो रेट के अंदर इसका हाई पाया एक सितंबर से। वीनस इन मघा नक्षत्र ओके, तो आप देख सकते हो वीनस मघा नक्षत्र में है, राहु का इसके ऊपर वेद है। तो ये एक फैक्टर लगा एक सितंबर को। देखिए बहुत सारे एस्ट्रो इवेंट होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जो जो भी एस्ट्रो इवेंट जो भी घटना जो भी हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई कंजंक्शन बन रहा है, कोई हमारा वेस्टर्न एस्पेक्ट के हिसाब से एंगुलर दृष्टि पड़ रही है, कोई हमारा सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से वेद पड़ रहा है, इसके अलावा चांदी है, चांदी का जैसे कि राशि राशि होती है कर्क, कर्क राशि में भी 3, 6, 11 में कौन से प्लानेट आ रहे हैं, हर चीज मैटर करती है ओके। तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना उस दिन लगी है, सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं ओके। तो थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है, पर कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी ज्योतिषीय किसी ना किसी प्लैनेट की पोजीशन को इंडिकेट नहीं करता। प्लैनेट की पोजीशन ही उसमें उतार लाती है, वही उसके अंदर चढ़ाव लाती है ओके। तो चलिए इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था, समझाने को तो और भी लंबा इंट्राडे में भी इसका एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ ओके। देखिए ये 22 जून की घटना है। अब देखिए 22 जून का ये चार्ट है, अभी चांदी का हो गया, मैं आपको इंट्राडे का छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ। हम इंडिसेस की बात कर रहे हैं, इंडिसेस हमको देखनी है निफ्टी, मुख्य रूप से चंद्रमा दिन में होने वाली घटनाओं का कारक है, क्योंकि चंद्रमा तेज गति से चलता है, 2.25 दिन एक राशि में रहता है और एक दिन एक नक्षत्र में रहता है। तो चंद्रमा का नक्षत्र और राशि में क्या स्थिति है वो बहुत बड़ा एक सूचक है इंडिसेस का। चंद्रमा अगर शत्रु राशि में, बंद कर लीजिए किसका है बंद कर लीजिए प्लीज, चंद्रमा शत्रु राशि में है, शत्रु नक्षत्र में है, शत्रु नक्षत्र पद में है ओके, मैलेफिक के द्वारा देखा जा रहा है, दृष्टि उसके ऊपर 180 की पड़ रही है या 0 डिग्री की या 30 डिग्री की है, कौन से उस पर वेद पड़ रहे हैं, इन सारी चीजों से हमें पता लगा सकते हैं कि एडवांस में क्या होने वाला है। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति कैसी लग रही है हमको 2 जून को, इसमें समझ में आएगा। देखिए ये भी 2 जून का चार्ट है, चंद्रमा आप देख सकते हो आद्रा नक्षत्र में है, तो किसके नक्षत्र में हुआ अमित जी? राहु के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा पीड़ित है, जब चंद्रमा पीड़ित है तो इंडिसेस बढ़ाएगा या घटाएगा ये बताइए। चंद्रमा अगर एफ्लिक्शन में आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, जब प्लैनेट कंफर्टेबल होता है तो रेट गिरते हैं और जब वो पीड़ित होता है तो रेट बढ़ते हैं। तो राहु में आके चंद्रमा तो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो गया, तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो एक 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 हमें क्या पता लगा कि भैया 22 तारीख को रेट बढ़ेंगे, ये सुनो मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरीकों से देख सकते हो। जैमिनी नक्षत्र में है चंद्रमा बुध, चंद्रमा हालांकि माँ है पर बुध ईर्ष्या रखता है तो ये भी शत्रु है, और एक्वेरियस के साइन में तो चंद्रमा शनि के साइन में है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको,
कल निफ्टी कैसे 22 तारीख को निफ्टी कैसे रहने वाली है, 21 तारीख को ये चार्ट देख के क्या बोलोगे? रेट बढ़ेंगे अपसाइड, इंट्राडे में रेट बढ़ेंगे, इंडिसेस के, इंडिसेस की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि ओके जी जी जी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं सर्वतोभद्र चक्र से, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा। देखिए ये आप थोड़ा बाद में समझोगे, चंद्रमा की गति 0.740 है, इसका मतलब ये उस दिन मंगल तीव्र गति से चल रहा है। जब प्लैनेट तीव्र गति से चल रहा है तो वो अपने वाम वेद डालता है, लेफ्ट में वेद डालता है ओके। तो ये हमने बात अपने दिमाग में रखी। अब आप इस सर्वतोभद्र चक्र में देखिए, देखिए कौन सी तारीख का सर्वतो चक्र देखिए ओके। इस पे आप देख रहे हो मार्स का वेद कहाँ पड़ रहा है, ये मार्स बैठा है, देखिए मून यहाँ बैठा है आद्रा नक्षत्र में, यस और नो, कैन यू सी मून इज सिटिंग इन आद्रा नक्षत्र, कैन एनीबॉडी, कैन एवरीबॉडी सी? यस सर, यस। अब आप देखिए मंगल यहाँ बैठा है ठीक है, पर यहाँ पे बैठा है मंगल तीव्र गति से चलने के कारण अपने बाएं दिशा में वेद डालना, मंगल का वेद पड़ गया मून पे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि भैया इंडिसेस के रेट बढ़ेंगे। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग में जो खाली सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर ही काम कर जाते हैं, सर्वतोभद्र चक्र के भी अकेले के ही रिजल्ट 70-80% तक आ जाते हैं ओके। पर हमें बिल्कुल ये नहीं होना है कि बस एक ही टूल को पकड़ के हमने सोच लिया बस हमें 80% आ गए, तो कहने का मतलब ये सर्वतोभद्र चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक टूल है। तो उधर हमने देख लिया कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, शनि की राशि में है ओके, और ये है हमारा मून के ऊपर मंगल का वेद पड़ रहा है, क्रूर प्लैनेट का वेद है, क्रूर प्लैनेट का वेद का मतलब है रेट बढ़ेंगे, तो इस दिन रेट बढ़े थे, क्या रेट रहे ये देखिए, मार्केट 16,481 पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ 16,628 पे ओके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ओके। तो हम क्या है इंट्राडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, सोना चांदी आयरन जिंक फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी इन सब में इसका बहुत ज्यादा यूज है, और वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका में सब जगह इतना ज्यादा पॉपुलर वेस्ट हमारी ये एस्ट्रोलॉजी होती जा रही है फाइनेंशियल की। अब जो बड़ी पहले जो हमारी पुस्तकें लिखी गई वारामीन ने लिख दी, अर्ग मार्तंड ने लिख दी, व्यापार रत्न जैसा महान ग्रंथ लिखा गया, परंतु अब जो मुख्य किताबें लिखी जा रही हैं वो सब वेस्टर्न कंट्रीज में लिखी जा रही हैं, अमेरिका में लिखी जा रही हैं, एक एक बुक 1-1 लाख रुपए की आती है। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को बाहर वाले लोग बहुत ज्यादा आजकल अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं ओके। पर सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है, निकल के हमारे शास्त्रों से ही आ रहा है ओके। तो चलिए मैं आपको आज एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा था कि कैसे तो मंडे इन एस्ट्रोलॉजी ग्रह की स्थिति इन्फ्लुएंस करती है, और कैसे मैंने आपको ये सिर्फ एक आज टूल दिखाया सर्वतोभद्र चक्र, इसके अलावा ध्रुवांक एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है वो हम सीखेंगे ओके। इसके अलावा पंचांग पंचक, चंद्रमा जब पंचक से निकलता है वो अगले में पूरे महीने के हम बना सकते हैं कि पूरे अगले महीने में रेट्स कैसे रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर किसी भी कंपनी की कुंडली बना के भी हम देख सकते हैं ये कैसा काम करेगी, कंपनी की फॉर्मेशन डेट ज्ञान करके। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। कोर्स शुरू होगा वो हमारा कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा 21 फरवरी से, और जो फीस है मात्र 25,350 है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है।
पर जैसे अगर कोई मैं हूँ, अगर सिर्फ इंट्राडे ही करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, और मैंने कुछ देखा ही नहीं, इतना देख नहीं पाता हूँ, तो जैसे तो उसमें ही उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। हाँ बहुत फायदेमंद है, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है ना, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, तो बिल्कुल भाई कोई दूसरी चीज सर है कि निफ्टी हो निफ्टी हो, ओके, कौन से प्लैनेट है, कौन से राशि उसकी सिग्निफिकेटर्स हैं, क्या उनकी गोचर में स्थिति है, क्या उनकी सर्वतोभद्र चक्र में स्थिति है, और दुर्वान के बारे में समझेंगे, मतलब बहुत सारी टेक्निक है जिसको हम लगा के सीख सकते हैं। सर ये मून प्रश्न, सॉरी मैं हाँ हाँ चीज पूछ रहा था, मैं अपने ऑफिस का नहीं पूछ रहा, जैसे आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग को अपनी भी कुंडली देखनी चाहिए कि हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाँ, सूट करेगा। हाँ वो भी मैं सिखाऊंगा। देखिए एक सेशन पूरा पर्सनल हॉरोस्कोप भी तो होगा, तो आप लोग अपनी जन्मपत्री देख के हमारे लिए शेयर मार्केट सूट करता है। फिर एक बार ऐसा होता है कुछ पीरियड में पैसे लगाते हैं पैसे बनते हैं, कुछ पीरियड ऐसा आता है जब नुकसान होता है, तो कौन से पीरियड अच्छा है पैसा लगाने के लिए, कौन से पीरियड में बचना चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है कि खुद पैसा लगाते हैं तो डूब जाता है, परंतु दूसरों को सलाह देते हैं टिप देते हैं तो वो पैसे कमा जाता है, ऐसे लोग कौन होते हैं। ओके, फिर जो वर्ल्ड के बेस्ट ये हैं हमारे ट्रेडर्स, ओके, जैसे झुनझुनवाला जी हैं, हर्षद मेहता जी हैं, जेपी मॉर्गन हैं, इन सब के चार्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये धन कुबेर क्यों बने। ओके, जेपी मॉर्गन मॉर्गन क्यों है, झुनझुनवाला जी झुनझुनवाला क्यों बने, शेयर से इतने पैसे क्यों कमाए, तो उसकी उनके कुंडली हम पढ़ेंगे और आप लोग भी अपना चार्ट देख के समझ पाओगे कि हमारी कुंडली क्या कह रही है। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन से कमोडिटी में हम करें, वो भी हम जानेंगे, उसको मैं पर्सनल हॉरोस्कोपी कहता हूँ, एक सेशन उसी के बारे में होगा। सर एक प्रश्न ये था कि हाँ। दो प्रश्न थे सर एक्चुअली में, पहला प्रश्न ये था सर कि मून तो ढाई दिन में राशि परिवर्तन कर देता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी जो प्लैनेट होते हैं सर वो थोड़ी ढाई दिन में परिवर्तन करते हैं, वो तो कम से कम मिनिमम 20 दिन से 25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। सैटर्न एक बार में राशि में चला गया तो ढाई साल रुका रहता है उस राशि में, और बृहस्पति खुद 13 महीने लेते हैं, तो उस केस में राहु खुद 1.5 साल लेते हैं, तो उस केस में कैसे मार्केट में प्रेडिक्ट करेंगे फिर इंट्राडे में? हर प्लैनेट अलग अलग कमोडिटी देता है, लॉन्ग टर्म के लिए लंबे प्लैनेट पकड़ते हैं शनि बृहस्पति, ओके, यूरेनस, जो मिड टर्म के लिए वीनस पकड़ेंगे मरकरी, अगले एक दो दिन का पकड़ना है तो चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, ओके, वो हम समझेंगे, ठीक है? सर ये कितने टाइम का है टोटल कोर्स? टोटल कोर्स ये 2 महीने का है, 1 महीने में 2 क्लास होंगी, वेडनेसडे को और सैटरडे को। हर वीक में 2 क्लास है? यस यस, 8:30 से 10 रात को, मतलब मोटा मोटी 16 से 18 क्लासे हो जाएंगी। हाँ 14 या 15 क्लास होती है। Can I ask something? Yes, yes. This software, is it on the web or do we have to purchase it or something? Okay, I will tell you, there is one tool which is free. Initially, if somebody thinks that he don't want to spend the money, then I will tell you one very good software which is free downloadable. And if somebody wants to do it commercially, you know, and want to purchase it, then this is the software which I was showing or using in this demonstration. So I will tell you. I will tell you how to get it and what is the price. Okay. Are you going to tell us now or later on? Because I am intending to pursue it professionally. See, for Sarvatobhadra Chakra, this is a Parashar software, okay? Okay. There are different version of it. It can, you know, 12,000, 5,000, 25,000, 23. But from 23 onward only, you can find this Sarvatobhadra Chakra. In 12,000 wale mein, you will not be getting this Sarvatobhadra Chakra. Okay. And this is lifetime ownership. This is lifetime ownership. Not like 1 year or something. No, lifetime.
okay. but these people give some discount to my students, okay? So okay, that I will tell when you fine, join fine, the course, fine. Okay? thank you so much. Okay, so can I close the session? सर हाँ. तो एक्सटर्नल प्लैनेट्स होते हैं हाँ. जो कि अपने प्लैनेट में जैसे नेपच्यून है यूरेनस है, क्या इनका भी हम लोग पढ़ेंगे? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट. नेपच्यून तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तीनों यूरेनस एंड प्लूटो तीनों का शेयर मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत इम्पोर्टेंट रोज आपके हिसाब से आफ्टर द कोर्स how much time do we require to study, self study, matlab ek market ki preparation mein kitna time aapke hisab se lagta hai astrology financial astrology perspective se? kam se kam 4 se 5 mahine to paper trading karne chahiye. 4 mahine to karo, nahi to 3 mahina to karo. 3 se 4 mahine paper trading jisko kehte hai na, paise mat lagaiye. yes sir, paper pe likh lijiye aaj itna kharida itna becha. जब आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंटली आने लगे तो आप सोचो कि आप तैयार हो गए. तो बंद कर लीजिए, क्यों शोर मचा रहे हो? म्यूट कर दूंगा, फिर जिसको जो हैंड रेस करेगा उसी से पूछूंगा. सब लोग म्यूट कर दीजिए जिसको पूछना है. बालाजी बंद करिए अपना माइक, ये बंद करिए. बालाजी अपना माइक बंद करिए. ये मैं म्यूट कर दिया सबको, मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कोई सुनता नहीं है, कोई फायदा नहीं है. अभी रुक जाइए, मैं अभी जरा एक एक करके क्वेश्चन लूंगा. मुझे 2 हफ्ते के लिए अभी मुझे बॉम्बे जाना पड़ रहा है, तो मैं बीच में निकलना चाह रहा, तो मैं इसको और फिर कुछ और यूजफुल चीजें मैं उसमें ऐड भी कर रहा हूँ. तो okay. 21 तारीख से शुरू होगा अभी. ओके, दिस सेम वही सेशन पे राइट? ये हां सेम वही कोर्स. ओके ओके सर, आपने एडमिशन ले रखा है ऑलरेडी? हां सर, दिसंबर में मैंने पेमेंट किया था जनवरी सेशन के लिए. okay, okay. तो ये 21 फरवरी से शुरू होगा, पर बीच okay. में मैं एक दो इंपॉर्टेंट सेशन करूंगा, उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा. ओके ओके सर, थैंक यू. बट दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. ओके श्योर सर, थैंक यू वेरी मच. ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको. yes. आदित्य जी. yes, आदित्य जी. yeah, आदित्य. yeah. no, actually I'm working professional. so yeah. 8:30 to 10 on Wednesday, like it is not possible. so you'll get give the recording as well. yeah, you will be getting a recording of each session. but okay. see, for the working professionals only, I keep this time from 8:30 to 10 p.m. So I come back by 9. Oh my God. So even yeah. even then you can attend 1 hour of session. Okay? Uh-huh. I'm actually a fundamental analyst. You are fundamentalist, so then it is going to help you a lot. Uh-huh. Okay. It is going to help you a lot. Okay. Okay. For everybody who is in this line, either as a technical analyst or long investor studying the fundamentals, this course is going to be very useful. Or even for the person who want to start their career in the stock market now. Is it possible to conclude the, as you said, the curriculum is so vast. Is it possible to conclude in 15 days? Yes. The course is so designed. Hmm. 1.5 hours, twice a week. The course is so designed, it will be finished in 2 months. Okay. Okay. Thank you, sir. See, first session will be about introduction to the Vedic astrology because some people are new. One session will be on this personal horoscopy.
and rest about all the case studies, you know, and the tools and the, you know, all about the theory. Okay, so study material would be provided. Yeah, study material will be provided. Yes, very exhaustive, very exhaustive. Okay, sir. Thank you so much. Yes, Monica ji. Yeah, Monica Kapoor ji. Yes, sir. Yes. Hello. Sir, काफी टाइम से जैसे मार्केट डाउन हो रखी है तो ये कौन से प्लांट्स तो अपना अपना मूव कर ही रहे हैं? देखिए जब कई सारे प्लानेट सारे सब मिलके नेगेटिव फैक्टर काफी टाइम जो मैंने आपको बताया ना ये लंबे जो प्लानेट होते हैं यूरेनस प्लूटो नेपच्यून इनका प्रभाव बहुत लंबा चलता है और शनि वगैरह पे है ना तो ये अगर मल्टीपल फैक्टर्स हो जाएं और सारे नकारात्मक हैं तो मार्केट की स्थिति लंबे टाइम के लिए ऊंची या नीची रहेगी तो सर ये कब तक रहेगी कोई है कोई आइडिया ये तो मोनिका जी जब हम क्लास में आएंगे जब समझेंगे ऐसा क्यों जैसे मैंने आपको 2022 की चीजें बताई है ना इस तरीके से जी हम लोग पूरा इसको समझेंगे भाई इसमें मोनिका जी पूरा सारे प्लैनेट हमको ये देखने होते हैं कौन सा प्लैनेट कब पोजीशन बदल रहा है जैसे वेद है जब एक प्लैनेट वहां से हिलेगा उस वेद से निकल जाएगा ओके तो उसकी अंडर में सिग्निफिकेशन की जो भी कमोडिटीज है उसके अंदर उसी तरीके से रेट में बढ़ेंगे या घटेंगे ये जो दूर वाले प्लैनेट होते हैं जी। ये बहुत लंबा प्रभाव डालते हैं यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और इवन शनि क्योंकि शनि भी एक राशि में 2.5 साल तक बैठे रहते हैं ओके जी तो ये बहुत लंबा लंबा प्रभाव डालते हैं प्लूटो नेपच्यून इनका बड़ा भूमिका है किसी र्यूमर के कारण मार्केट का गिर जाना है ना तो इस तरह की जो चीजें हैं हर प्लैनेट कुछ ना कुछ मर्क्यूरी का भी अलग प्रभाव होता है किसी कम्युनिकेशन किसी न्यूज के कारण शेयर स्टॉक मार्केट का चढ़ना ठीक है तो This all we will see in the course. 2023 में ग्रहों की क्या स्थिति है वो हम डिस्कस करेंगे अनित कुमार जी अनित कुमार जी हेलो हाँ कैन यू हियर मी या हाउ डू यू ट्रैक निफ्टी 50 बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स So different sectors behave differently during the day. Yeah, so actually the Nifty is controlled by Mercury and Jupiter, okay? Mercury, Jupiter and this moon, okay? Because in Nifty, there are so many banking sectors. Yeah, banking also. Bank Nifty is another sector. Yeah. So moon is a major planet, but other planet like Mercury and Jupiter and Sun also play a role. That's for Nifty. And for Bank Nifty, what do you see generally? Because for that bank, is more volatile. For Bank Nifty, it will be Mercury, Sun and Jupiter. Jupiter. Now, do you also track, see like market opens at say 9:15, 9:30, there's a reversal time. So it may come down till 12, then it may go up, right? Maybe 50 or 70% of the drop. So are you, does this astrology be able to track that retracements also? Yes, we can do that. For that, we will have to see because moon transit in a nakshatra, okay? And then in nakshatra also, it transit through its nakshatra pada. Okay. So when it changes the nakshatra pada, then that transition is also very important. When it moves from the friendly pada to enemy pada, so for that particular, and then we can also track using the hora also. Hora is for 1 hour. Okay. And then movement of moon in Navmansa Kundali. Okay. So okay. If we want to track for a shorter period, then we will have to see the movement of moon in Padas and Navmansa. Okay. Okay. So you have asked a very good question. Okay. But we can track. Yeah, it. We can track. It. Yeah.
Now, Adani is falling for past 2 days because of a rumor, and he has multiple different sectors. Yeah. Now, see, what is the reason that, how do you track this? See here, this is, I told you, Neptune, Pluto, and these planets, because of some rumors, market breaks down. So maybe I have not noticed, maybe in Adani's Kundali. Adani flagship company, maybe it's coming under the influence of those planets. Influence the crashing of the market due to the rumor. This also we can track. Thank you, sir. Anybody else? I think. Okay, with that, I think everybody has asked the question. And in the last, I again repeat, the course is going to start from 21st of February. Classes will be 2 times in a week on Wednesday and Saturday, night 8:30 to 10 p.m. Fees is very reasonable, 25,350. You can take a click of this slide. Here my number is mentioned, 9205725596 and 9671931555. Either you can WhatsApp me if you want to know the course content or any other information you want to ask. You can ask freely. So with that, I'm closing the session, and I thank you all for attending the session so patiently. Thank you. Okay, good night.